सबसे पहले तो आप लोगों को जय श्री राम। अच्छा, कुछ लोगों को जिन्हें साइंस का नॉलेज हो जाता है, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है, वो ये कहने लगते हैं कि मंत्रों में क्या ताकत है, कुछ भी नहीं है। हनुमान चालीसा में क्या ताकत है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें थोड़ा सा नॉलेज होता है साइंस का, ना कि पूरा। तो वो ये कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास होता है। ऐसे प्राणी हमारे समाज में अभी भी उपस्थित हैं, लेकिन आज उन्हीं के लिए हमारे पास ये कि भूत प्रेत भी कैसे डर जाते हैं हनुमान चालीसा या फिर मंत्रों के उच्चारण से। तो आज की ये वीडियो मेरी इसी टॉपिक पे होने वाली है। अच्छा, जो आप लोग हैं, आपको ये तो पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज, और जब ये दोनों ही चार्जेस आपस में आते हैं तो एक दूसरे को कर लेते हैं अट्रैक्ट। क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट मतलब दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, वो भी कैसा? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसा? अट्रैक्टिव नेचर का, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को कर लेते हैं अट्रैक्ट। जैसे कि अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि अभी मेरे पास देखिए ये बलून है, इस पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन अगर हम इसे अपने बालों पर रब करते हैं, ये पूरा ही साइंटिफिक है ना, तो जब हम इसे अपने बालों पे रब करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन मेरे हेयर से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस पे आ गया है निगेटिव चार्ज। ये क्या हुआ, जब यहाँ पर आया तो ये चिपक गया। चिपक गया आप कैसे चिपका? यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया गया होगा। यहाँ पर कौन सा फोर्स आया? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स आया। बालों से थे निगेटिव चार्ज, बलून में ट्रांसफर हुए, और बोर्ड पर इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से एक तरीके से आपस में चिपक गए। ऐसा ही कुछ होता है जब आप हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं। क्या होता है हनुमान चालीसा, यानी कि जो आप भूत प्रेत कहते हैं, अगर साइंटिफिक वे में इन्हें बात करी जाए तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि वो हमारी निगेटिव एनर्जीज होती हैं। ठीक, क्या होती हैं? निगेटिव एनर्जीज होती हैं, और निगेटिव एनर्जीज को कौन खींच सकता है? कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी खींचेगी, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ खींचेगी जिसके पास पॉजिटिव ताकत हो, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी सीधे हम बोलते हैं खींचेगी। कौन खींचेगी? पॉजिटिव एनर्जी। अब ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आ जाती है? जब हनुमान चालीसा या मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ये देखिए आती कैसे। जब आप देखिए, अगर आपने वेव पढ़ा हो, आपने साउंड पढ़ा हो, ठीक है, तो आपने 11th 12th यानी कि 10th का कुछ टॉपिक है ये सब पढ़ा हो, तो आप जानते हैं किसी एक फिक्स्ड पैटर्न में क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी फॉर्म होती है, कुछ ना कुछ चार्जेस डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होता होगा हनुमान चालीसा या मंत्रों का उच्चारण करते समय, जिससे क्या होता होगा कि वहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बनता होगा मॉलिक्यूल्स के टकराने का, कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनता होगा जिससे कि एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स पे जो एटमॉस्फेयर में आसपास होते हैं वहाँ पर क्या आ जाता होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि वहाँ पर डेवलप हो गई पॉजिटिव एनर्जी, और जब पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हुई तो वो क्या करने लगी? निगेटिव एनर्जी, यानी कि जिसे आप भूत कह रहे थे, प्रेत कह रहे थे, इन्हें क्या करने लगती है? खींचने लगती है, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है? एबनॉर्मल इंसान बिहेवियर बिहेव करने लगता है। यही रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको क्या लगता है, आप इसे नाम दे देते हो भूत प्रेत का। तो भूत प्रेत का नाम दिया जाता है। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न बनाया जा रहा है जिससे पॉजिटिव एनर्जी बहुत हाई लेवल की जनरेट हो रही है, ठीक है। और इस यही कारण होता है जिसकी वजह से आपसे बोला जाता है कि कभी भी मंत्रों का उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मंत्रों का उच्चारण गलत होगा तो वो पैटर्न बिगड़ेगा, पैटर्न बिगड़ेगा तो वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव वाइब नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इसी बात पे तब तक के लिए, जब तक हम बता रहे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट में जय श्री राम तो जरूर लिख दीजिए। तो और इसी को हम एक और एग्जांपल से अगर समझते हैं, तो हमारे पास ये दो मैग्नेट हैं, इसमें अगर हम सेम पोल यानी कि निगेटिव निगेटिव को लाएं तो वो आपस में एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, यानी कि एक साथ नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर भूतों के साथ थोड़ा उल्टा ही है, ठीक है, वो एक साथ भी आ जाएंगे और आपस में लड़ने भी लगते हैं, ठीक है। देखिए, एक दूसरे को अभी दोनों के सेम पोल है तो दूर फेंक रहे हैं, लेकिन अगर हम अपोजिट पोल को ले आए तो तुरंत आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए। यही होता है कब? भूत प्रेतों के साथ, यानी कि पोल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है चार्जेस, जिसकी वजह से क्या आया? पॉजिटिव ने निगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी तो बाहर थी ना इंसान के शरीर के, उसने क्या करा? निगेटिव एनर्जी यानी कि भूत प्रेत को खींच लिया, और इंसान उनसे मुक्त हो गया।
तो ऐसे ही साइंटिफिक रीज़न को समझने के लिए और अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अगर कोई आपसे कह दे कि ये सब अंधविश्वास है तो आप उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जल्दी से ए टू गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।